सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और SETU की में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने यह सवाल पूछा है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर हमारा कितना टैक्स लगेगा, या फिर उस टैक्स को बचाने का कोई तरीका है कि नहीं। तो इस वीडियो में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपका कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है उसकी हम बात करने वाले हैं। अब कैपिटल गेन्स टैक्स क्या हुआ? देखिए, प्रॉपर्टी एक कैपिटल एसेट है। अब कैपिटल एसेट और क्या क्या है उनकी भी मैं बात करूंगा वीडियो के अंदर। जब भी हम कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं तो उससे अगर हमें कोई मुनाफा हुआ है उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन्स। अब ये दो तरीके के कैपिटल गेन हो सकते हैं। अगर आपने जैसे प्रॉपर्टी जल्दी बेची तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, अगर आपने उसे लंबे समय तक होल्ड किया और फिर बेचा तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा। दोनों ही तरीके के टैक्स अलग अलग होते हैं, तो हम इस वीडियो में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की डेफिनेशन भी देखेंगे, किस तरीके से वो टैक्स लगता है ये समझेंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। इस वीडियो में हम हर तरीके की प्रॉपर्टी कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर प्लॉट हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आप सारे के सारे क्लॉजेस अच्छे से समझ लें। चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले तो हम यहां पे कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले कैपिटल एसेट ही समझना जरूरी है, उसी पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हमारा टैक्स का ट्रीटमेंट होता है। अब कैपिटल एसेट क्या होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ज्वेलरी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, लीज होल्ड राइट्स, व्हीकल्स या फिर मशीनरी। इस तरीके के जो भी लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं जो आपको फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करके दे सकते हैं वो आपके कैपिटल एसेट्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन रखा गया है टैक्स ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड वैसे तो कैपिटल एसेट ही है, अगर हम जनरली लॉन्ग टर्म एसेट की बात करें तो डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म एसेट है, लेकिन ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब है अर्बन एरिया के बाहर जो भी आपकी एग्रीकल्चरल लैंड आती है, यानी कि म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर जो एग्रीकल्चरल लैंड आती है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाती है और उसको इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। इसका मतलब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे किसी भी तरीके का कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये बाकी के जितने भी आपके कैपिटल एसेट्स हैं इन पे अगर आपको बेच के कोई भी कैपिटल गेन होता है, यानी कि कोई भी मुनाफा होता है, उसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं और उस पे जो भी टैक्स लगता है उसे हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो दो तरीके का कैपिटल गेन्स टैक्स हो जाता है, एक हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और दूसरा हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम कैसे कहेंगे, ये आपका टाइम लिमिट पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक आपने वो प्रॉपर्टी को होल्ड किया है। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को 24 महीने से कम होल्ड किया है, यानी कि खरीदने से बेचने का जो समय था अगर वो 24 महीने से कम का था तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की कैटेगरी में आ जाएगा और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और अगर ये समय 24 महीने से ज्यादा का है तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। पहले के टाइम में ये जो लिमिट थी ये 36 महीने होती थी, यानी कि 3 साल होती थी, अब इसको घटा के 24 महीने कर दिया गया है। और टैक्स रेट कैसे लगता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपका जो भी इनकम टैक्स का स्लैब रेट बनेगा, अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आपका 30% लग जाएगा, अगर आप 20% ब्रैकेट में आते हैं तो आपका 20% लग जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का फ्लैट रेट होता है, ये 20% लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है ये 20% लगेगा ही, एग्जेम्पशन मिल जाते हैं क्योंकि इस पे आपको। इंडेक्सेशन बेनिफिट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। इंडेक्सेशन का मतलब है कि महंगाई का कोई फायदा नहीं होता है, तो आपने जितने में प्रॉपर्टी खरीदी और जितने में बेची उसमें से आप सीधे डिडक्ट कर देंगे, अगर जितने प्राइस में बेचा उसमें से आप जितने प्राइस पे आपने खरीदा था वो माइनस कर दिया तो वो आपका कैपिटल गेन्स मान लिया जाएगा और उसके ऊपर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि महंगाई का फायदा हो जाता है, जितनी महंगाई बढ़ी है वो हटा दी जाती है, उसके बाद आपके जो कैपिटल गेन्स हुए हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये मैं आने वाले किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। और दूसरा फायदे की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं मिलती है आपको किसी भी तरीके की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। मैंने जैसे आपको कहा कि तीन तरीके से आपको बेनिफिट हो सकता है, वो तीनों तरीके अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आप कैसे बचा सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी और बाकी भी प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले आपका आता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये कवर हो जाती है आपकी सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर। इसके अंदर कौन बेनिफिट क्लेम कर सकता है?
कोई भी इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसके पास भी उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ओनरशिप है और वो फर्दर कोई दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेती है। तो यहाँ पे एलिजिबल एसेट सोल्ड कौन से हैं? कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, ये क्लॉज जो है, ये जो सेक्शन है, ये सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है। अगर आपने किसी भी और तरीके की कोई प्रॉपर्टी बेची वो इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होता है, तो इस तरीके के जो सेक्शन 54 के अंदर बेनिफिट्स अवेलेबल हैं वो नहीं मिलेंगे, दूसरे सेक्शन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और दूसरा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको आप बेच रहे हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आप बेचते हैं तो उस पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरा, 24 मंथ्स का मिनिमम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी बात करी। और प्रॉपर्टी आपको कौन सी खरीदनी है? एसेट्स टू बी एक्वायर्ड, अप टू 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज आप खरीद सकते हैं। ये अभी करंट बजट 2019 के अंदर अनाउंस किया गया था। तो 2 अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं उसके अंदर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और यहां पे भी आप रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं, अगर आप उस पैसे से, कैपिटल गेन्स अमाउंट से प्लॉट खरीद लेते हैं तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और दूसरा, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए आप ये कैपिटल गेन्स का अमाउंट यूज कर सकते हैं। परचेज यानी कि 2 प्रॉपर्टीज खरीदिए, चाहे आप उनको कंस्ट्रक्ट कीजिए। और 2 कोई जरूरी नहीं है, आप 1 प्रॉपर्टी खरीदें या 1 प्रॉपर्टी भी कंस्ट्रक्ट करें और आपका पूरा कैपिटल गेन्स अमाउंट उसके अंदर अगर इन्वेस्ट हो जाता है तो आपको कंप्लीट एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और दूसरा, यहां पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है, टाइम लिमिट, कि आपको ये जो प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो या तो जब आपने कोई अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेची उसके 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीद ली हो, या फिर उसके बेचने के बाद यानी कि 2 साल उसके बाद तक भी आपने अगर प्रॉपर्टी खरीद ली हो तो भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और बाय चांस अगर आप ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो ये नई प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, उसको अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आने वाले 3 सालों तक आपको, अगर ये कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब सेक्शन 54 से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। पहली बात तो आपको खाली यहाँ पे कैपिटल गेन्स का जो अमाउंट है उतना ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप उससे ज्यादा कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जितना भी कैपिटल गेन्स का अमाउंट है उतने पे ही आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपने 25 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 5 साल पहले, आज की डेट में आपने 50 लाख की वो प्रॉपर्टी बेची, तो आपका कैपिटल गेन्स अमाउंट कितना हुआ? 25 लाख हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 50 लाख का अमाउंट ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी प्रॉपर्टी में। आपका कैपिटल गेन्स अमाउंट जो 25 लाख है, अगर आप वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और दूसरा, मैक्सिमम कैपिटल गेन्स 2 करोड़ तक का आप क्लेम कर सकते हैं, जिस पे आप ये टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और ये वंस इन लाइफ टाइम ही आप सेक्शन 54 के अंदर ये वाली टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे। और एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएगी अगर आपने ये जो नई प्रॉपर्टी खरीदी, जो हम नई प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, उसको अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, जिस दिन से वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उससे 3 साल के अंदर अगर आपने उस प्रॉपर्टी को, नई प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो जितना भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिला था वो रिवर्स हो जाएगा। वो वाला सारा अमाउंट आपके उस साल के अंदर, जिस साल में आप वो नई प्रॉपर्टी बेचेंगे, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा इनकम के हिसाब से, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का जो ट्रीटमेंट होता है सेम टैक्स लग जाएगा। अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं और लेट से आपका 25 लाख का वो कैपिटल गेन्स था, तो उसका 30% आपका टैक्स हो जाएगा। और यहां पे आपको एक बात का और ख्याल करना है, जो भी आपका कैपिटल गेन्स अमाउंट आता है, जो हम 25 लाख की बात कर रहे हैं, उसे आपको कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करके रखना है। हर बैंक में, काफी सारे बैंक्स के अंदर ये कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम आपको मिल जाती है, ज्यादातर पीएसयू बैंक्स में तो सब में ही होती है और काफी प्राइवेट बैंक्स में भी होती है। तो ये स्पेशल अकाउंट होता है जिसके अंदर आपको अपना ये पैसा रखना है अगर आप टैक्स एग्जेम्पशन चाहते हैं। अदरवाइज आप कहीं और अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर इस पैसे को रख लेते हैं तो आपको ये टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये हमने बात कर ली सेक्शन 54 की। इसका मतलब अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और उसके बदले आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली, अप टू 2 प्रॉपर्टीज खरीद ली, तो आपको ये टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब हम बाकी की प्रॉपर्टीज की भी बात करते हैं, बाकी के कैपिटल एसेट्स की भी बात करते हैं। तो सेक्शन 54EC में आपको, इसमें भी प्रॉपर्टी अगर आप किसी तरीके की बेचते हैं या फिर कुछ और कैपिटल एसेट्स बेचते हैं तो यहां पे किस तरीके का फायदा होता है ये समझ लेते हैं। कौन क्लेम कर सकता है सेक्शन 54EC के अंदर? एनी पर्सन कैन क्लेम। और कौन से एलिजिबल एसेट्स हैं इसके अंदर जिनको आप बेचेंगे? कोई भी कैपिटल एसेट, जिसका मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, हाउस प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट, सब कुछ यहां पे इंक्लूड हो जाता है। और ये वाले जो आप एसेट बेचेंगे इनका मिनिमम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए 3 साल का। अगर 3 साल का होल्डिंग पीरियड नहीं है, जैसे पिछले क्लॉज में तो हमने 2 साल का होल्डिंग पीरियड देखा था 24 मंथ्स का, यहां पे हो गया है आपका 3 साल का। अगर आप सेक्शन 54EC के अंदर टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं
तो 3 साल का अगर होल्डिंग पीरियड नहीं होगा तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और यहां पे आपको कौन से एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, यहां पे स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होते हैं जिनका मिनिमम लॉक इन 5 ईयर का होता है, और ये वाले होते हैं आपके NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स होते हैं, ये 5 साल के लिए होते हैं। अगर आपने 5 साल से कम के किसी बॉन्ड में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्ट किया है तो भी आपको नहीं मिलेगा, मिनिमम 5 साल का लॉक इन होना चाहिए, उसके बाद ही आपको सेक्शन 54EC के अंदर टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। टाइम लिमिट यहां पे 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना होगा, जब भी आपने कोई भी कैपिटल एसेट बेचा उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको NHAI या फिर REC बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होगा। मैक्सिमम आप 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहां पे भी आपको खाली कैपिटल गेन्स अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है। तो जैसा हमने सेक्शन 54 के अंदर देखा था, आपको टोटल 50 लाख की जो एंटायर सेल प्रोसीड थी वो इन्वेस्ट नहीं करनी है, 25 लाख का अगर आपका कैपिटल गेन्स है उतना ही पोर्शन आपको इन्वेस्ट करना है। अब ये कैपिटल गेन्स मैक्सिमम आपका 50 लाख तक का हो सकता है, अगर आपने लेट से 1 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद लिए तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन खाली 50 लाख पे ही मिलेगी। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पे कैपिटल गेन्स अकाउंट आपको जरूरत नहीं है खुलवाने की, जैसा हमने सेक्शन 54 में देखा था। अगर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी पैसा आ जाता है वहां से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, यहां पे 5.5-6% के ही रिटर्न्स मिलते हैं इन बॉन्ड्स के अंदर, और वो भी टैक्सेबल होते हैं आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, जितना भी आपका टैक्स ब्रैकेट बनता है ये जो रिटर्न्स हैं वो टैक्सेबल होंगे। डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको शायद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। तो एनीवे ये सेक्शन 54EC का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। फाइनली हम तीसरे अपने ऑप्शन के पास आ जाते हैं, सेक्शन 54F। सेक्शन 54F में कौन क्लेम कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और कौन कौन से एसेट्स एलिजिबल हैं यहां पे, कोई भी कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी तो सेक्शन 54 में कवर हो गई, अब बाकी के जो भी एसेट्स हैं वो सारे यहां पे कवर हो रहे हैं। ये 54F काफी हद तक सेक्शन 54 की तरह ही काम करता है, लेकिन वहां डेडिकेटेड हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, यहां पे बाकी के सारे एसेट्स कवर हो रहे हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट, किसी भी तरीके की आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कोई प्रॉपर्टी बेची। लेकिन यहां पे एक कंडीशन और आ जाती है कि जो भी टैक्स पेयर यहां पे एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा 54F के अंदर। और किस तरीके के एसेट्स एक्वायर कर सकता है, वो यहां पे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदनी पड़ेगी तभी यहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जैसे हमने बात करी, आप घर तो खरीद सकते हैं लेकिन प्लॉट खरीदेंगे तो उस पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और यहां पे भी आप परचेज भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। टाइम लिमिट कितनी है, परचेज करेंगे तो 1 साल पहले यानी कि जब आपने वो प्रॉपर्टी बेची है अपना पुराना एसेट, उससे पहले ही अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली थी 1 साल के अंदर अंदर तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा, या फिर उसके 2 साल बाद तक भी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी की तो 3 साल बाद तक आप ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 3 साल से अगर ज्यादा हुए तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर आपकी कंस्ट्रक्शन 4 साल में कंप्लीट हुई तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर अगर आपकी ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो 54F के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और बाकी की क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, आपको यहां पे ध्यान दीजिएगा, एंटायर सेल प्रोसीड्स इन्वेस्ट करनी होंगी। तो अगर हम 50 लाख की बात कर रहे थे कि जो भी आपका एसेट है वो अगर 50 लाख में बिका है तो यहां पे आपको पूरा का पूरा 50 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, भले ही आपके कैपिटल गेन्स खाली 25 लाख के हों। लेकिन मान लीजिए अगर आप ये टोटल 50 लाख इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप खाली 25 लाख ही इन्वेस्ट कर देते हैं जो आपका खाली कैपिटल गेन अमाउंट था, तो ये बेसिकली सेल प्रोसीड का 50% हो गया, तो आपको जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी वो भी 50% हो जाएगी। तो 25 लाख अगर आपका कैपिटल गेन्स था तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन खाली 12.5 लाख पे मिलेगी। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पे ये सेक्शन 54 से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सेक्शन 54F। और बाकी के क्लॉजेस तो सिमिलर से ही हैं, जो आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी उसको अगर आपने 3 साल के अंदर बेच दिया तो जो भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिला था वो रिवर्स हो जाएगा, आपके इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो लग जाएगा। और यहां पे भी आपको कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के अंदर ही पैसा डाल के रखना होगा, अदरवाइज आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहां पे ज्यादातर सेक्शन 54F के जो क्लॉजेस हैं वो 54 के सिमिलर ही हैं, लेकिन जो मैंने कहा सबसे जो डिफरेंट है, यहां पे एंटायर सेल प्रोसीड्स आपको इन्वेस्ट करने होते हैं।
तो यहां पे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने तीन तरीके देखे, कैसे हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसमें जो भी कैपिटल गेन्स होता है उसमें हम टैक्स कैसे बचा सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो आपकी सेक्शन 54 के अंदर कवर हो गई, उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर कोई प्लॉट या किसी और भी तरीके की जो कोई प्रॉपर्टी है वो आपकी सेक्शन 54 ईसी में कवर हो सकती है या फिर सेक्शन 54 एफ के अंदर कवर हो सकती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। हो सकता है उनको भी कंफ्यूजन हो कि किस तरीके से हमारा ये टैक्स लगता है जब भी हमारे पास कोई कैपिटल गेन्स आता है प्रॉपर्टी को बेच के। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।